हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आनंदी, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन भी लड़कियों का अगर उनकी एज 11 साल की हो गई है, 11 साल से लेके अगर 18 साल के बीच में अगर उनको पीरियड्स नहीं आ रहा है तो क्या करें। हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स आया था, तो हम आपको बता देते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए अगर, क्योंकि नॉर्मल देखा जाए तो जो लड़कियों में पीरियड्स आता है उसका एज जो होता है 11 से, या बहुत लोगों में 11 साल में ही आ जाता है, बहुत लोगों में जो 12 साल या 13 साल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा देखा 17 साल या 18 साल 19 साल भी हो जाते हैं, 16 साल भी हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एज जो प्रॉब्लम है किस कारण की वजह से होता है। तो जिन भी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर कंटिन्यू जो आपका महीने महीने जो पीरियड्स आता है उसके बाद अगर एक महीने दो महीने तीन महीने अगर गायब भी हो जा रहा है, तो उसमें भी बताएंगे कि उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए ताकि आपका जो पीरियड्स है सही समय से आए। तो मैं कमेंट यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। कमेंट आया है कि 18 साल की उम्र तक महीने नहीं आ रहा है तो महीना आने के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, और लेडीज़ में अंडा न बनने की समस्या पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, कभी कभी केसेस में देखा जाता है कि ऐसे जो ब्लड होता है ना, पीरियड्स का जो ब्लड होता है अंदर बहुत लोगों में जमने लगता है। एक होता है ना कि कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है, बीमारी है जिसका आपको दवा बचपन से ही चल रहा हो, उस दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी बहुत लोगों में आने की, मतलब जो पीरियड्स होता है वो सही समय पर आने से थोड़ा लेट हो जाता है, यानी कि जो आपका उम्र हो जाता है होने का, फिर भी उम्र के बीत जाता है, आपका पीरियड्स नहीं आता है। आप अगर इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो 100% के आपके पीरियड्स हैं सही समय पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, तो इसमें जो आप अपनी बॉडी को चेकअप करवाएं, अपनी ब्लड को चेकअप करवाएं। जैसे कि बहुत लोगों में ऐसा देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो कि जब तक पीरियड्स आने का दवा करती हैं तब तक उनका पीरियड्स आता है, जैसे दवा बंद करती हैं उनका पीरियड्स भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो दवा के भरोसे आप कब तक अपने पीरियड्स को चालू रखेंगी? तो इसलिए आप इस चीज़ का सेवन करके देखिए, 101% का आपका पीरियड सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ है जो कि उनका एक महीने आता है, दो महीने बंद हो जाता है, दो महीने आता है तो साल भर पूरा बंद हो जाता है, और घबराती हैं कि क्या कहीं मेरा प्रेगनेंसी रुक तो नहीं गया ना, और टेंशन के मारे बेचारी कितनी बार जाके सोनोग्राफी करवा लेती हैं। इसके साथ हम आपको कुछ और भी टिप्स बता रहे हैं जो कि इन सारे चीज़ को आप फॉलो करके रोजाना अपने रूटीन में शामिल करें। देखिए, आपके पीरियड्स रुका हुआ हो, चाहे दो साल तीन साल लेट हो गया, आपका नहीं आ रहा है समय से, तो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। पहला है कच्चा पपीता, दूसरा है दालचीनी, सौंफ और काला नमक और हल्दी। इन सब चीज़ों को एक ही में ऐड करके कम से कम दो गिलास पानी में डालकर इसका काढ़ा बना लें। सुबह बासी में इसका काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इसमें सौंफ है, दालचीनी है और हल्दी, इसका तासीर जो गर्म होता है, इसके वजह से आपका जो रुका हुआ पीरियड्स है या फिर पीरियड्स आने में थोड़ा आपको समय लग जाता है, तो इससे में भी आपको एक काढ़ा बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, कई सारे से प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे, इसके साथ साथ आपके पीरियड्स की समस्या भी दूर हो जाएगी। और हम आपको बता दें, जो है कच्चा पपीता, आप दिन में दो बार तीन बार या एक बार भी सादे नमक के साथ कच्चे पपीतों को आप खा सकती हैं, या फिर इसका हलवा बनाकर खाएं, या फिर इसकी किसी भी तरीके की रेसिपी बनाकर रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए, आपका पीरियड जो है सही समय पर आएगा। अभी तक नहीं आया है तो आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। अब बात आती है कि महिलाओं में अगर जो अंडाशय नहीं बन रहे उसका क्या करें। कोई भी लड़की हो तो जब तक उसको पीरियड्स ना आए तब तक अंडा नहीं बन सकता। गर्भाशय में अंडा तभी बनेगा जब आपका मासिक चक्र चालू रहेगा। ताकि जो गर्भाशय के जो अंडे रिलीज होते हैं ना, वो सिर्फ 12 से 14 घंटे ही जिंदा रहते हैं, यानी कि जो आपके गर्भाशय में जो अंडे हैं वो सिर्फ 12 से 14 घंटे ही मतलब जिंदा रहते हैं, फिर उसके बाद मृत हो जाते हैं, फिर वापस दूसरे बनते हैं। तो इसी बीच वापस मतलब अगले महीने बनेंगे, जब अगले महीने आपका पीरियड्स आएगा, पीरियड्स के जो पाँचवें दिन है उस दिन से लेकर 14 दिन तक वही फिर से बनेंगे, फिर वही बार पाँचवें दिन से, फिर वही पाँचवें दिन से लेके फिर 14वें दिन के बीच अगर आप संभोग करती हैं तो फिर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो सवाल हमसे पूछे थे, आपके सवाल यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिए हैं, क्योंकि जिस भी लड़की के जब तक वो पीरियड्स यानी कि मासिक चक्र नहीं आते हैं तब तक उसके जो अंडे होते हैं तब तक वो रिलीज नहीं होते। तब आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अगर इसके रिलेटिव आपको कोई और सवाल है जो कि हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे दे रखे, हम जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए। लव यू।